सभी लोगों का नॉट गे फ्लीट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर, और आज हम लोग जाने वाले वापस से कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हम लोग करते हैं भाई बहुत सारी मस्ती, लेते हैं अपने शोरूम के लिए कुछ नई नई कार्स एंड एवरीथिंग। और आज हम लोगों ने करा है भाई कैसे भी चैलेंज है भाई, हम लोगों को 5 लैम्बोर्गिनी भाई अपने शोरूम में खड़ी करनी है, मतलब खड़ी करनी है। सो लेट्स गो, मेरे को नहीं पता है कितना पॉसिबल है और कितना नहीं, तो चलो चलते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 का गोल है। जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, यार 3 मिलियन की तरफ जा रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और चलो चलते हैं अपने शोरूम की तरफ को, वामू शोरूम की तरफ को। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर, और तुम लोग सोच रहे हो अगर रात हो रही है तो तुम सो क्यों नहीं रहे हो भाई, क्योंकि एक्चुअल में रात हो रही है। मेरे को कभी भी वीडियोस को रात को शुरू कर रहे हो वो मजा नहीं आता है, बट लेट मी टेल यू क्यों, क्योंकि हम लोगों ने आज चैलेंज लिया है भाई, हम लोग कैसे भी 5 लैम्बोर्गिनी जमा करनी है, मतलब जमा करनी है चाहे फिर कुछ हो जाए, तुम समझ रहे हो भाई। हम लोग इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं, और जैसे तुम्हें पता है कि भाई हम लोगों ने जब 5 ऑडी जमा करने गए थे हमें कितनी मुश्किल हुई थी, हम लोगों ने 3 जमा कर ली थी, बट हम लोग सैडली 5 जमा नहीं कर पाए थे। खैर सैडली क्या यार, ये अपनी डॉज वाइपर जब भगा रहे हैं वो उसी का तो फल है। पर किस चीज से टकराई है भाई, क्या था यहां? भाई क्या था वहां पे? और भाई ये रात को यार ये देख रहे हो तुम, ये टूमस्टोन ये सब देख के तो अलग ही डर लगता है। बट सुनो मेरी बात, अब देखो मैं तुम्हें एक मस्जिद दिखाता हूँ भाई, इसमें फ्यूल भी खत्म है, ये देखो। इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो रात को शुरू करी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी दिख गई थी, तो मेरा मन था कि एक पप्पी कर दूं। देखो ये कार इज बैठ नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है हमारी कार इज वे सुपीरियर देन अ लैम्बोर्गिनी राइट नाउ, जो कि हम लोगों ने एक्चुअल में आई थिंक लैम्बोर्गिनी से ही जीती थी ये गाड़ी। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये गाड़ी ना हम लोगों ने अभी स्पेक नहीं कराई है। अगर तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई कौन सा कलर करवाए कौन सा कलर करवाए, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला था रेड करवाओ नहीं तो ग्रीन करवाओ, क्योंकि सीधी सी बात है कि नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड। भाई ये गाड़ी टूट रही है मेरे को लग रहा है भाई, तेल तो खत्म हो गया है भाई, तेल खत्म होने का मतलब क्या यार, सीरियसली वेरी स्टूपिड हो गया है ये, तेल खत्म है गाड़ी में, तेल खत्म होने का मतलब क्या ब्रेक भी नहीं मारेगी गाड़ी अब कुछ भी। चलो हम लोग एक काम करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेके जाते हैं फटाफट से वहाँ पे रेस करते हुए, सी सी बात है हमारी लैम्बोर्गिनी फुली स्पेक्ड एकदम क्रेजी खतरनाक बना के हम लोगों ने रखी हुई है, तो वो चीज़ बेस्ट है। और यहाँ पे इतना अंधेरा हो रहा है, हम लोग के तिरंगे वाली तीनों वो भी दिख रही है, ऑडी आर8 भी दिख रही है, एक्चुअली कुछ भी दिख रहा है भाई। इन लोगों ने यार कुछ तो करना चाहिए कि एक फ्लैश लाइट ही दे दो एटलीस्ट यार, तुम्हें नहीं देना है मैं समझ रहा हूँ भाई, तुम्हें लाइटें नहीं देनी है शोरूम के अंदर नहीं दो, बट एटलीस्ट ये तो दे दो। देख रहे हो कितनी मुश्किल से मैं समझ पाया कि यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी खड़ी है, मेरे को तो याद ही हो गया यार। चलो ठीक है अपनी ले भाई ये कर लो तुम, पहले कुछ नहीं दिख रहा है भाई, काले अंधेरे में हो रही है वीडियो, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट मैं क्या करूं, पहली लैम्बोर्गिनी ऐसे काले अंधेरे में मिलेगी, मैं क्या करूं यार भाई, क्योंकि मेरे को पता है कितना ज़्यादा टफ हो गया है भाई इसमें गाड़ियां लेना, तो अगर हम लोगों को मिल रही है तो हमें उसका फुल यूज़ करना चाहिए 100% भाई, जेन्युइनली भाई गाड़ी ठुक रही है पिट रही है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हम कहाँ हैं क्या है। चलो भाई फाइनली अपनी लैम्बोर्गिनी हम लोगों ने बाहर तो निकाल दिया, एटलीस्ट बाहर लाइक थोड़ी चांद की रोशनी वोशनी आ रही है, अब इसको फटाफट से लेके चलते हैं भाई इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बस इसमें रेस फिट है ना इसलिए ड्रिफ्ट अच्छे से नहीं कर रही है, बट देयर वी गो गाइस, लैम्बोर्गिनी कुंटाज के सामने लैम्बोर्गिनी कुंटाज बेटेस कार रेस। प्लीज सारे के सारे भाई के लिए प्रे करना है कि हम लोग ये रेस जीत जाए, क्योंकि हमारी पहली लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, हमें 5 चाहिए ऐसी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अपनी पहली लैम्बोर्गिनी आ जाएगी ना वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। सो लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्लीज़ यार प्लीज़ भाई प्लीज़ जीतना है, कैसे भी जीतना है ठीक है, पहली रेस ही जीत जाएंगे तो हमारा गुड लक स्टार्ट हो जाएगा भाई। मैं वही ट्रिक करने वाला हूँ कि दूसरा गियर इंस्टेंट मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 2, 1 ले बेटे, कहा मुझसे कहा बड़े, मुझसे कहा पंगे लेगा तू, ये देख रहा तू बड़े अभी क्या कर? भाई तू कितना कल आएगा क्या, 13.8 सेकंड, 8.4 सेकंड, 5 सेकंड
5.4 सेकंड से जीते हैं पूरे पूरे, और हम लोगों को हमारी लैम्बोर्गिनी कुंटाज भी मिल गई है, तो इसको हम लोग दोनों के दोनों को शोरूम में भिजवा के अपना निकलते हैं यहाँ पर से। हम लोगों को यहाँ पर रुकना नहीं है कुछ भी, ठीक है, एक लेके घर को जा सकते हैं वैसे एक्चुअल में, बट देख लेते हैं जैसे भी होगा, ठीक है। क्या पता सुबह हो गई, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रेस करो और सुबह हो जाती है, बट नहीं हुई यहाँ पे। इस वाली को हम लोग टोइंग ट्रक पे भेज देते हैं और इस वाली को लेके हम लोग घर निकल लेते हैं, ठीक है। अब जाके सोएंगे और अब सुबह होगी भाई, क्योंकि मेरे को यही था। वेट अ मिनट, व्हाट? भाई लाइक बनता है गाइस, लाइक बनता है, आज मेरे लक बहुत तगड़ा चल रहा है। एक लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ। आज मेरा लक बहुत क्रेजी चल रहा है, हमने एक लैम्बोर्गिनी जस्ट जीती है और उसके जस्ट बाद हम लोगों को एक और लैम्बोर्गिनी मिल गई जिसमें बैटिस कार है। भाई ये किस्मत नहीं है तो क्या है भाई, ये तो लक चला है भाई, ये तो बहुत क्रेजी लक चला है भाई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया मजाक से हट के। ओ भाई साहब, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं तो बोल ही रहा था तुमसे भाई, कभी कभार तो किस्मत चलती है मेरी। ये भी जीत गए हम लोग। ओ भाई 200 भी नहीं जा पाई, बट हम लोग ये भी जीत गए भाई। क्या हो रहा है ये? और ये फिर से वही 13.8 लेगा ना, ये 13.7। हम लोगों ने 9 सेकंड में करी है, 4 सेकंड 5 सेकंड मैक्स, मतलब इस बार ऐसे हम लोग हल्के से जीते थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा 900 गलत मार दी थी, बट फिर भी भाई लेट्स गो। ये क्या किस्मत हुई है? अब सोचो अगर एक और लैम्बोर्गिनी भाई, लिटरली 30 सेकंड के अंदर पूरा गेम। आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन ब्रो? ब्रो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? भाई एक बार सारे के सारे कमेंट में लक ओपी कर दो भाई, एक बार सारे के सारे कमेंट में लक ओपी कर दो। हम लोग दिए तीसरी लैम्बोर्गिनी कुंटाज लेने वाले 10 मिनट, 10 मिनट में नहीं हुआ है मेरे को रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहे हुए 10 मिनट, ये तीसरी लैम्बोर्गिनी कुंटाज आ रही है हमारी। भाई साहब नॉट पॉसिबल ब्रो, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता यार भाई, क्या चल रहा है मेरे को जेन्युइनली नहीं पता है भाई, बट ये हमारी तीसरी लैम्बोर्गिनी कुंटाज आ चुकी है भाई, ये हमारी तीसरी लैम्बोर्गिनी कुंटाज से रेस होने वाली है भाई, ये तीसरी। Three, भाई मेरे को लग रहा है ये कुछ ग्लिच है रात का। फिर से जीत गए भाई 9 सेकंड, फिर से जीत गए भाई, लेट्स गो भाई, जीतना तो है ही हमने यार। भाई तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा भाई कितना खतरनाक रेस कार ड्राइवर है यार, कम ऑन यार, जीतना तो कंफर्म है, बट ये चल क्या रहा है भाई? अब तुम सोचो अगर एक और आ जाए, मैं तो बोल के बोलूंगा ताकि आए भाई, काश मेरे यार 10 मिलियन हो जाए यार नॉट गेमर फ्लिट और अंशुबिस्ट में यार, मैं मजाक नहीं करूंगा। अच्छा अब नहीं चले, अबे यार हो गया भाई, बहुत हो गया, उनने गाड़ियां ही साफ कर दी यहां पर से भाई, उनने सारी भाई। लेकिन हम लोगों को लिटरली 5 गाड़ियां चाहिए थी भाई, लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा ऑडी R8 में मैं कम से कम 6 घंटे बैठ गया था, जिसमें एंड में मेरे को भाई इतनी बढ़िया गाड़ी डॉज वाइपर मिल गई तो मैं खुश हो गया था। बट भाई ये क्या किस्मत चली हम लोगों की, व्हाट भाई ये क्या किस्मत चली हम लोगों की, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार, हम लोगों को स्टार्टिंग में ही 3 लैम्बोर्गिनी कुंटाज मिल चुकी है, तुम समझ रहे हो? 3, एक दो नहीं भाई, 3 लैम्बोर्गिनी कुंटाज स्टार्टिंग में। गाइस यार अपने लगता बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है भाई कार फॉर सेल के अंदर, हम लोग को ऑलरेडी 3 लैम्बोर्गिनी कुंटाज मिल चुकी है और हम लोग को 2 और चाहिए बस। बट अभी चलते हैं फटाफट से स्टंबल गाइस की तरफ को, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए दोबारा से मिस्टर बीस के साथ कोलैब कर लिया है स्टंबल गाइस ने, जो कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया लिमिटेड टाइम के लिए, तो चलो चलते हैं फटाफट से स्टंबल गाइस के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने स्टंबल गाइस के अंदर और भाई देख रहे हो पीछे, देखो मिस्टर बीस्ट वो सब कितना ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। तो खाली ये मिस्टर बीस कोलैबोरेशन ऐसे ही नहीं है भाई, इसके अंदर आ चुके बहुत सारे स्किन, जैसे कि देखो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, स्टंबल पास है ठीक है। मैं तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपना स्टंबल पास एक्टिवेट करते हैं ठीक है, और क्लेम। यस सर, थैंक यू, बट मुझे ये सब नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो मुझे चाहिए ये वाली स्किन भाई, ये देखो मैका मेगा बीस्ट, ये मेरे को चाहिए भाई, मैं सारे के सारे एमरल्ड यूज करने वाला हूँ, मुझे बस वो चाहिए। अच्छा हमने ऑलरेडी क्लेम कर दिया, ओके कोई नहीं,
भाई सीधे चलो इसको आगे को लेके चलते हैं, लेके चलो मिस्टर बीस्ट वाली लैम्बोर्गिनी भी है भाई, लैम्बोर्गिनी लेने जा रहे थे, लैम्बोर्गिनी मिल गई, मजाक से हट गया। इसको भी काउंट कर ले क्या एक प्लीज। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं बस आगे मैका मैगा बीस दिख रहा है मेरे को यहीं से, बस देयर वी गो गाइस। और ये फाइनल, इसी के साथ हम लोग भाई अब ले ही रहे हैं तो वो लास्ट वाला स्पेशल इमोट भी ले ही लेते ना, ये देखो बीस्ट लाइटनिंग, मिस्टर बीस्ट वाले कलर देना इसलिए। लेट्स गो गाइस, इक्विप नाउ। भाई कितना कूल लग रहा है, व्हाट, ओ भाई साहब कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये देखो, नो वे ब्रो। बट तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोगों के लिए आज एक फ्री स्किन है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्लीट आर्मी के लिए, सो गेट रेडी। तुम लोगों को एक कोड दूंगा मैं और अभी दिखाऊंगा भी उसको एक्टिवेट कैसे करना है, हम लोग वो स्किन लगाएंगे भी। बट उससे पहले देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ गेम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ आई है, स्टंबल पास तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गया है, बट एट द सेम टाइम अगर तुम लोग अभी नहीं, रुको मेरे को ये दिखाना था, देखो अगर तुम लोग फ्राइडे फीवर की तरफ को जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि हम लोग यहाँ पे विनिल तो मिल ही रहे हैं मिस्टर बीस्ट के, बट एट द सेम टाइम मिस्टर बीस्ट इज बैक विद अ फंकी ट्विस्ट, प्ले द ऑल न्यू डिस्को ड्रॉप लेवल जो कि खुद मिस्टर बीस्ट ने डिजाइन किया हुआ है, तुम समझ रहे हो, ये खुद मिस्टर बीस्ट ने बना रखा है ये लेवल, सो लेट्स गो, मजा आने वाला है। भाई कितने लोग खेल रहे हैं एट दिस मोमेंट, देख रहे हो तुम लोग, ऐसे मिला है मैच ऐसे, लेट्स गो। डिस्को ड्रॉप दिखाता हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा क्रेजी और फन चीज है, मिस्टर बीस्ट का डिस्को ड्रॉप लग चुका है। हम लोगों को आई थिंक उन पे खड़ा नहीं होना है जो गिरने वाले है बस, राइट, देखो लेफ्ट में दिख रहा है, ओह ये गिरने वाला है, बच गया, ओए धक्का दे रही, धक्का दे रही, ओके ओके बिजली वाला गिरने वाला है भाई, बहुत बंदे गिरे इस बारी, ध्यान से थोड़ा, ओके ट्रायंगल गिरने वाला है, मैं तो सही जगह खड़ा हूं, लेकिन लेट्स गो हम लोग क्वालिफाई भी हो गए भाई, ये बहुत ज्यादा कूल है भाई। अभी देखो हम ये सारी चीजों को क्लेम भी कर सकते हैं, देख रहो हम लोगों को 20 विनिल्स मिल चुके हैं यहाँ पे जो हम लोग यूज कर, अरे नहीं और मिले क्योंकि मैंने बहुत खेला है क्या, वाओ। इतना ही नहीं, गेम के अंदर एक मिस्टर बीस्ट ब्रांडेड टूल की टाइप है यूजीसी सेक्शन के अंदर, जहां पर आप लोग खुद के मैप्स बना सकते हो, खुद के मिस्टर बीस्ट वाले मैप्स बना सकते हो, जैसे कि ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर तुम द बीस गेम्स, फेलिन फ्लोरिंग, ये सारे यूज कर सकते हो भाई अब खुद का एक अपना नया मैप बनाने के लिए। और अब आती है वो बात जिसके लिए मैं तुम्हें हमेशा बोलते रहता हूँ कि स्टंबल गाइस को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यहाँ पे तुम बारकोड से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो, प्लीज करना ठीक है, स्टंबल गाइस के सामने चौड़ होनी चाहिए कि हाँ फ्लीट आर्मी भाई फ्लीट भाई की बात सुनती है। एंड यस, आज मैं देने वाला तुम लोगों को मिस्टर बीस्ट की एक फ्री स्किन, बहुत ही ज्यादा कूल स्किन है, तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाके तुम लोगों को सबसे पहले स्टंबल गाइस के वेब स्टोर के अंदर जाना है और उसके बाद चलो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों का एक स्टंबल गाइस का अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लेना, बाकी तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो यहां पर आओ, अपना यूजर नेम डालो, मेरा यूजर नेम है गेमर फ्लीट, रुको जरा ढंग से लिखो यार गेमर फ्लीट, ठीक है, तो ये हमने गेमर फ्लीट यहाँ पे डाल दिया, एक बार वैलिडेट कर देते हैं, ये वैसे सही है बट ठीक है फिर भी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ लिखना है साइबर जेमी, ठीक है, ये कोड है, तुम लोग भी डाल के एक फ्री स्किन ले सकते हो, बस रिडीम में क्लिक करना है एंड दैट इज डन गाइस, हम लोगों को मिल चुकी है एक साइबर जेमी की स्किन। और ऐसे ही भाई जितने भी ये बंदे वीडियो देख रहे हैं ना वो लोग स्टंबल गाइस में एक फ्री स्किन अवेल कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट रेयर है भाई, तो जाके अवेल करना है, साइबर जेमी कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्टंबल गाइस को प्लीज डाउनलोड करो, थोड़ी भाई की चौड़ बढ़ाओ, थोड़ी भाई की बातचीत बढ़ाओ भाई स्टंबल गाइस के बीच में, ठीक है ना। बाकी हम लोग चलते हैं फटाफट से भाई, दो और लैम्बोर्गिनी कुंटाच करनी, मैं तो भाई अभी लग जाता यही, ओह माय गॉड भाई आज 5 बजे के ऑक्शन में अगर एक और मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई, ओह माय गॉड मैं तो देखते हुए जाऊंगा, किसको पता वहां पे एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, यू नेवर नो भाई, भाई यू नेवर नो, क्या पता वहां पे एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अबे भाई यार तू जल्दी 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 निकाल निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी निकाल। अरे नहीं नहीं इससे नहीं इससे नहीं, हाँ इससे मत टकराना भाई, पता नहीं इस गेम में इन्होंने ब्रेक बहुत बहुत लाइट कर दिया, मतलब एकदम ही हल्के ब्रेक आते हैं। ये गाड़ी मैं अंदर लगा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी 2 लैम्बोर्गिनी खड़ी है, 1 लैम्बोर्गिनी मेरी रिपेयर में गई हुई है, ओ माई गॉड भाई। अबे दरवाजा तो खोल के रखो, रात को बंद किसने कराए, हाँ थैंक यू वैसे ये जगह नहीं है लाने की बट फिर भी इसको यहाँ पे लगा देते हैं बिगले। भाई साहब ये क्या किस्मत चल रही है भाई, मैं तो फटाफट से अपनी ये निकाल रहा हूँ भाई, ये क्या खतरनाक एपिसोड हो गया भाई, मैं तो मजाक में आया था, मैंने कहा यार रात को एक लैम्बोर्गिनी दिखी है तो रात से शुरू करेंगे, पर ये क्या किस्मत हुई, 2 यहाँ खड़ी है 1 वहाँ खड़ी है और अभी मैं जा रहा हूँ भाई, अगर हम लोग ये रेस जीता था तो हमारे पास 2 RX7 हो जाएंगी। अरे यार ये ड्रिफ्ट फिट है, ये ड्रिफ्ट फिट है, गलत हो गया अरे यार ये ड्रिफ्ट फिट है गाइस, अच्छा भाई याद आ गया मेरे को, मतलब याद क्या गई चल गई ऐसे,
ओ भाई साहब, अब भी मैं जाके हार जाता हूँ वो रेस, क्योंकि सीधी सी बात है उसका रेस वेट होगा, मेरा ड्रिफ्ट वेट होगा, तो गाड़ी कहीं जाएगी थोड़ा ना मेरी। बस इसको इज्जत से लगाओ यहाँ पे, क्या लगती है भाई ये कलर वलर ना सब कुछ। इसको रेसिंग किट लगा दो, बाकी सब ठीक है। सस्पेंशन थोड़े से डाउन कर दो ताकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने कंट्रोल एंड ऑल, बाकी सब ठीक है। व्हील तो अच्छे लगे हैं इसमें, या फिर इसमें यार ये वाले लगाते हैं, ये ज़्यादा कूल लगेंगे भाई। ये हटो, अब दिखाता हूँ ना इनको मैं रेस फिट का मतलब क्या होता है। अबे ये चल यार, तू भी चल भाई, तू भी चल रेस करेगा, आ जा। हाँ यार भाई, हर जगह पे जहाँ जाओ वहाँ दिख जाते हैं। देख रहे हो, आप देख रहे हो, अब ये देखो ना, मैं ड्रिफ्ट ट्राई भी कर रहा था, उतनी मतलब पड़ रही है बट उतनी क्रेजी नहीं पड़ रही है। चलो, हेलो सर, आई होप आप अपने RX-7 के पेपर अपने साथ लाए होंगे, क्योंकि गाड़ी तो आपकी मैं ले जाऊँगा भाई, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है, जीतना है। अगर हम लोगों ने गलती करी तो हमारे पास एक RX-7 पड़ी है, वो भी चले जाएगी। अब मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने ये रेस नहीं लेनी चाहिए थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, सच्ची बताऊँ मेरे को डर लग रहा है, ये रेस मैंने शायद से नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर गलती से हार गए ना, गलती से भी हार गए, एक एक सेकेंड का चांस है कि हार सकते हैं भाई, हमारी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है भाई, एक सेकंड का चांस है कि हम हार सकते हैं, एंड मैं नहीं चाहता वो हो, बट लेट्स सी क्या होता है। आने दो आने दो आने दो, बराबरी में बराबरी में बराबरी में, बस 3-2-1। Let's go boys and girls, let's go। 8.7 seconds में quarter mile complete करके तुम्हारे भाई ने जीत लिया, एक और Mazda RX-7 भाई, let's go। ये होती है ना बात भाई, ये होती है बात, देख रहे हो तुम लोग भाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर वही होता ना, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए खुद में, ऐसा नहीं कि तुम पूरे टाइम में डर के बैठ गए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने अंदर। ओके, मेरे को लगा एक और RX-7 आ गई इतनी जल्दी, अच्छा ये तो मेरे को, अबे यार मैं भेजू कैसे, मैंने गाड़ियाँ हटाई भी तो नहीं है, रुक जाओ मैं इस वाली को छोड़ के आता हूँ, फिर उस वाली को लेने आऊँगा। पहले मैं सारी गाड़ियाँ वहाँ पर से हटाता भी हूँ, जो टोइंग ट्रक वाला है ना जगह, वहाँ से सारी गाड़ी हटाता भी हूँ। 5 बजे के अपना उसकी तैयारी भी करनी है हम लोगों ने, 5 बजे का ऑक्शन है, आई होप उसमें एक और लैम्बोर्गिनी कुंटाज मिल जाए भाई। जेन्युइनली ये चैलेंज हम लोग पूरा चीर देंगे अगर ऐसा हो गया। मेरे को नहीं पता वो क्या किस्मत चली यार, सही ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं पता कि वो क्या किस्मत चली हमारी भाई, जो एक के बाद एक लैम्बोर्गिनी मिलती गई हमें, वो भाई वो तो कुछ अलग ही हो गया भाई, कसम से वो तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही चीज़ हो गई भाई, जो मैंने एक्चुअल में एक्सपेक्ट नहीं। अरे यार तुम भाई यार चल देती हो आगे को यार। चलो इसको सारी की सारी गाड़ियों को यहाँ पर से हटाते हैं, भैया चले गए धोने के लिए गाड़ी को, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर से हटाते हैं हम लोगों की, वो भी एक बाहर खड़ी हुई है, हमको उसको भी हटाना पड़ेगा। इनको मैं क्या करूँगा ना, अभी के लिए मैं इनको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, देर भी को कितना कूल लगेगा। सोचो तुम अंदर आ रहे हो शोरूम के और लाइन से लैम्बोर्गिनी तुम्हारा वेलकम कर रही है, सोचो भाई साहब। भाई मेरे को लग रहा है ये वाला तो हम चैलेंज चीर देंगे भाई, 5 लैम्बोर्गिनी कुंटाज डुएबल है, जस्ट बिकॉज वो ग्लिच हुआ या जो भी है, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगा कि वो क्या हुआ होगा भाई, वो जेन्युइनली हुआ क्या मेरे को भी समझ में नहीं आया भाई। एक रेस खत्म करो दूसरी कुंटाज सामने, एक रेस खत्म करो दूसरी कुंटाज सामने, और आई थिंक तीनों कुंटाज ब्लैक है, तो वो कुछ तो ग्लिच हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट भाई यही है कि अपने फेवर में आ गया वो ग्लिच, क्योंकि सीधी सी बात है यार हम लोग फिर करते कैसे ना उस चीज़ को, थोड़ी सी यार अब क्योंकि लगा ही रहे, अगर सिमेट्रिकल ढंग से तो फिर ढंग से ही लगा लो ना थोड़ी, बस ऐसे इसको सीधे सीधे ले जा देते हैं, बस देयर वी गो, ठीक है ये हो गई। अब हम लोगों को अपनी ये सबसे पहले तो ये अंदर करनी है, अरे यार भूल जाता हूँ हर बार यार, GTR राइट साइड से बैठते हैं। अबे क्या है भाई, अबे दिख नहीं रहा भाई, क्या कर रहे हो, चलो ठीक है, ये अपनी गाड़ी लग गई यहाँ पे, ये अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ लग गई, 2 लैम्बोर्गिनी वहां लग गई, और 2 गाड़ियां हमारी वहां पर है, जो कि एक हमारी क्या कहते हैं उसे RX-7 है, और एक हमारी लैम्बोर्गिनी कुंटाज है, दोनों को सही भी करवाई देता है, अब लगी हुई है। तो मैंने जो सोचा हुआ है इसमें तुम्हारा, अच्छा दो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, गाड़ी एकदम क्लीन टंच दी है उसने मेरे को हारने के बाद, नो वे ब्रो, बताओ यार रेस में एकदम क्लीन कार्स लेके आया। और भाई लिटरली वो देख रहे हो तुम लोग, तीनों ब्लैक गाड़ियां मिली, मेरे को नहीं पता कैसे, बट तीनों की तीनों प्रॉपर एक ही जैसी गाड़ियां मिली हैं, तो वो कुछ तो ग्लिच हुआ है भाई।
तुम लोग बताना अगर तुम लोगों ने ऐसा ग्लिच कभी भी पहले देखा है तो, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही देखा यार भाई साहब। और ये देखो भैया ने चमका दी, क्या लग रही है गाड़ियाँ भाई। और मैं भैया को गाड़ी से दबा रहा हूँ अभी एक्चुअली, हल्की सी बस बढ़िया ठीक है। अच्छा नहीं ज़्यादा आगे, थोड़ी सी पीछे बस सही है, परफेक्ट हो गई ठीक है। अपनी वाइपर भी लेके आए थे। अब देखो वाइपर में मैंने सोचा हुआ है कि ग्रीन कलर ही करवाते हैं ठीक है, क्योंकि वो सीधी सी बात है नीड फॉर स्पीड वाला फील भी देता है। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट करा था, क्योंकि लोगों को पता है कि मैंने पहले अपनी वाइपर भी ग्रीन ही करवा रखी थी। तो लेट्स गो भाई, क्योंकि यार मोस्ट वॉन्टेड किस बच्चे ने यार मस्ती नहीं करी है मोस्ट वॉन्टेड में यार। मोस्ट वॉन्टेड क्या गेम था भाई, मजाक से हट के यार, हाय हाय वो तो आज भी दिलों में बसता है भाई लोगों के। जल्दी उठा लेता इससे पहले गाड़ी आगे बढ़ जाए। हम लोगों को इसको पॉलिश करना है, यस सर, थोड़ा सा ज़्यादा मेटैलिक करेंगे। उसके बाद हम लोगों के पार्ट्स तो सारे पेंटेड है, अब हमें चाहिए ग्रीन कलर ठीक है। तो हम लोग आएंगे इधर पे, हम लोगों को डार्क ग्रीन जैसा चाहिए होगा, जो कि उसमें होता है गाड़ी में उनकी ऐसा कुछ, ये देयर वी गो। अब देखो भाई ये देख रहे हो भाई साहब, क्या चमकी है गाड़ी भाई, मज़ा आ गया यार। और ये बगल में भाई यार क्या ही चीज़ है भाई, ये देख रहे हो तुम लोग ये कितना कूल लग रहा है तीनों भाई। ऑडी R8 इंडिया का फ्लैग बनाते हुए खतरनाक भाई, और अपनी ये भी आगे देखो कितना कूल लग रही है भाई। थोड़ा धोता हूँ इसको और ज़्यादा क्लीन लगेगी। इन लोगों ने अगली जो चीज़ है ना अपडेट में कस्टमाइजेशन में इन लोगों को वो लाइट सेट करनी चाहिए, एटलीस्ट खुद ही लग जानी चाहिए, मतलब लगाओ तो और बढ़िया है तुम्हारे ऊपर, बट वैसे खुद ही लग जानी चाहिए। हमारी सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है राइट, एक दो तीन तीन अपने पास लैम्बोर्गिनी कुंटाज ऑलरेडी हो चुकी है, हमें सिर्फ और सिर्फ दो और गाड़ियाँ करनी है अभी, और अपने पास बाकी सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, 5 बजे का वो है ऑक्शन है, उससे पहले हम लोग सबसे पहले नियरेस्ट जाते हैं, आई थिंक गैस स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है, गैस स्टेशन के बाद सीधे वही आता ना, हाँ उधर पे कहीं पे है वो रहा ठीक है। तो अपनी गाड़ी अब लेके आते हैं भाई, एक अपनी वहीं छोड़ के आए हुए हैं हम लोग ठीक है ना। हाँ अभी भूल जाते हैं, Mazda RX-7 वहीं छूटी हुई है हमारी, वो देखो जो हम रेस में जीते थे, चलो वो Mazda RX-7 लेके आते हैं फटाफट से भाई, दो Mazda RX-7 मजाक है क्या यार। वो मैंने एक चीज़ गलती कर दी, जब मैंने वो अपनी डॉज वाइपर सीधे अंदर डाल दी, बट अपने पास टाइम अभी 5 बजने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 मिनट और बच रहे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले अपनी ये वाली Mazda को लेके चलते हैं। इसने ड्रिफ्ट फिट, ये देखा इसने मेरी वाली गलती करी है जो मैं एक्चुअली सही करके गया था, दिमाग है भाई मेरे अंदर कि मैं रेस में एटलीस्ट सही करके गया, इसने ड्रिफ्ट फिट लगाए थे ना, ड्रिफ्ट फिट ही लगाई इसलिए हारा इतना गंदा, वरना इतनी फास्ट कार लिटरली पूरे गेम में 0 to 100 सबसे फास्ट इस कार का है, और तब भी सॉरी आफ्टर वो क्या कहते हैं GTR और सुप्रा इस कार का है, बट फिर भी ये कार हारी, यही था रीज़न भाई, यही था रीज़न। इसने क्या कर रखा है, ड्रिफ्ट फिट लगा रखी है इसमें। अब बताओ ड्रिफ्ट फिट का क्या मतलब हुआ यार, रेस में जा रहे हो तो ड्रिफ्ट फिट थोड़ा ना लगानी चाहिए। अब चलो हम लोग अपनी पहले ये निकालते हैं बाहर, आराम से लगनी नहीं चाहिए। चलो हम लोगों ने इसको ना वो नहीं करी है, लाइक फुल्ली कस्टमाइज नहीं करवाया गैस, ये तो मैं रेस फिट के लिए करवाऊंगा ना, इसमें रेगुलर ना ड्रिफ्ट फिट, ये पूरी रेस फिट होगी। क्योंकि जिसको पता नहीं है भाई, डॉज वाइपर रेसेस के लिए बहुत क्रेजी गाड़ी, मतलब ड्रिफ्टिंग के लिए भी अच्छी है बट रेसेस के लिए बहुत तगड़ी गाड़ी है। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा रेस फिट बनाएंगे जितना ज़्यादा बना सकते हैं। देयर वी गो, लाइट्स वाइट्स का कुछ नहीं, प्लेट में भाई अगर वामू नहीं है ना तो बात नहीं है। ये वाली करवा देते हैं इसमें प्लेट, लेट्स गो, पूरी गाड़ी हो चुकी है टेंच, अब आ गई ना बात। चलो भाई अब ले जाते हैं इसको, अब हम प्यार से खड़ी कर सकते हैं क्योंकि अभी अपनी गाड़ी है ठीक है ना। नंबर प्लेट में वामू नहीं है तो भाई अपने शोरूम में जगह नहीं है उस गाड़ी के लिए ठीक है। ए यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने भाई, दिखता ही नहीं है गाड़ी के अंदर डालने के बाद। बस इसके पीछे अभी के लिए ऐसे लगा देते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके कर देंगे सब कुछ से। अबे कहाँ जा रही है ये भैंस, अब स्टार्ट ही हो गई, चलते रहती है गाड़ी जाते रहती है। अब देखो हम लोगों को ऑक्शन हो रहा है स्टार्ट थोड़ी देर में, यार एक कार तो बाहर रखनी चाहिए थी, चलो एक कुंटाज ही निकाल लेते हैं इसी बात पे ना। चलो लेट्स होप गाइस, सारे के सारे प्लीज़ होप करना कि हम लोगों को एक कुंटाज मिल जाए, हम लोगों को लिटरली चैलेंज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम लोगों को मिल जाती है तो। स्टार्ट होने वाला है ऑक्शन इन 4 सेकेंड्स, सो लेट्स गो लेट्स होप। रुक जा भाई रुक जा, लोगों को ठोकेगी क्या, पहली गाड़ी आई है ऑडी R8 लूँगा। अरे टिकट नहीं लिए,
ऑडी आर8 भाई लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, मेरे को 5 ऑडी आर8 भी तो करनी, 3 अपने पास ऑलरेडी है भाई। इस वाले उसमें सीरीज में मेरे को लग रहा है कि मैं लिटरली 2 या 3 वो कर दूंगा, अपने चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एक तरह से अपने अपने पास एक नई RX 7 आ चुकी है, अपने पास 3 लैम्बोर्गिनी हो चुकी है और अभी चौथी ऑडी आर8 भी ले ली है हम लोगों ने। भाई क्या है ये, अबे क्या है भाई, मेबलिन भाई बदतमीजी मत करो यार, लेने दो भाई चंडाल। चलो बढ़िया, आ गई अपनी ऑडी आर8 भी आ गई भाई, जल्दी करो यार जल्दी करो, मेरे को देखना है लिटरली भाई। तुम सोचो अगर हमारी किस्मत हुई और लास्ट वाली भी लैम्बोर्गिनी निकली, जो कि टफ है क्योंकि तुम सबको पता है कि भाई एक बार अगर अच्छी गाड़ी आती है तो फिर दूसरी गाड़ियों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हें कोई अच्छी गाड़ी मिले। सो लेट्स गो, देखते हैं कुछ तो बढ़िया मिले। कमॉन यार आ जा प्लीज। ओ सुपर आई है यार, अरे यार मेरे को लेजिट लगा यार, लैम्बोर्गिनी भी आ सकती थी इसका मतलब अगर सुपर आई है तो। यार अब हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है। हम लोग अपनी ऑडी आर8 कल कलेक्ट कर लेंगे, अभी जाके सो जाते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को अगली लैम्बोर्गिनी कब मिल सकती है भाई। होपफुली जल्दी हो जाए, बट लेट्स सी। 3 तो हो गई है यार, 3 इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो मैं खुश हूँ भाई अगर नहीं भी मिल रही है तो भाई, क्योंकि 3 बहुत तेज मिली भाई, खट 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 और 3 लैम्बोर्गिनी हाथ में भाई, ये होती है बात। कार मार्केट प्लेस इज ओपन भाई, अब तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक तो मिल जाएगी, क्योंकि कार मार्केट प्लेस में तो लैम्बोर्गिनी मिलती ही मिलती है ज़्यादातर। कमॉन लैम्बो ऑडी आर8 दिख रही, ओ दो ऑडी आर8, व्हाट गाइस, जी अपना चैलेंज हो चुका है, ऑडी आर8 वाला चैलेंज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, 5 ऑडी आर8 वाला। तेरा दिमाग ख़राब है, इतने में लूँगा मैं, 380 में दे रहा है तो दे, वरना मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के चल जाऊँगा अभी यहीं पर, अभी छोड़ के चल जाऊँगा मैं गाड़ी यार, चल्ला पिल्ला यार, 4 में दे दे, इतना तो कर ही सकता है भाई के लिए, भाई नहीं है। हाँ थैंक यू, चलो इसको हम लोग टो ट्रक से भेज देते हैं और ये वाली ऑडी आर8 भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई यार, हमने जब करनी है। 6 ऑडी आर8 हो चुकी है हमारे पास, 6, 1-2 कुछ नहीं, 6 ऑडी आर8। ए 400,000 में क्यों लूँगा तेरे से मैं, 370 में लूँगा, 370 में देना, दो वरना मैं जा रहा हूँ। गुड बाय, चलो भाई फ्यूज़ बॉक्स भी मिल गया इसी के साथ, और आई डोंट थिंक सो कोई दूसरी गाड़ी भाई यार, जिससे मैं ऑडी आर8 चाहिए थी उस समय ऑडी आर8 नहीं मिली, जिससे मैं अब लैम्बोर्गिनी चाहिए तो लैम्बोर्गिनी नहीं मिली, ऑडी आर8 पर ऑडी आर8 मिली जा रही है, क्या किस्मत है ये। अगली बार से मैं बोलूँगा चैलेंज ऑडी आर8, तब जाके लैम्बोर्गिनी मिलेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसी लग रहा है मेरे को। दो ऑडी आर8 और एक ऑडी आर8 वहाँ खड़ी है हमारे को, उसको भी लेके आता हूँ भाई। लिटरली हम लोग के पास 3 ऑडी आर8 मजाक में हो गई हैं, समझ रहे हो तुम, 3 ऑलरेडी खड़ी है, 3 और हो गई, 6। मेरे शोरूम में जगह नहीं है इतनी जितनी ऑडी आर8 हो चुकी है मेरे पास। तू कहाँ जा रही है, कहाँ भाई, किसके पास जाना है। चलो यार हम लोगों ने बहुत टाइम से ऑडी आर8 नहीं चलाई है, इसको मैं लगा देता हूँ, अब हम लोग आगे को ना इधर उधर जाने आने के लिए ऑडी आर8 का यूज़ करते हैं। भाई साहब 3 ऑडी आर8 यहाँ खड़ी है, 3 ऑडी आर8 अंदर खड़ी है, क्या मज़ा आ गया, नहीं मज़ा भाई। वाइट वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑडी आर8 वाइट में बहुत आइकॉनिक लगती है, आइकॉनिक एकदम। Yeah, चमक भी गई, देखो कितनी कूल लग रही है। नहीं भाई अभी 2 बजे ऑक्शन है, आई होप हम लोगों को एक लैम्बोर्गिनी मिल जाए, क्योंकि जिस स्पीड में हम लोगों को कायदे से ये लैम्बोर्गिनी मिली ना स्टार्टिंग में, अब वो स्पीड बिल्कुल रुक चुकी है, ठीक है ना, एकदम ही अटक चुकी है भाई वो स्पीड। और मैं सोच रहा हूँ कि नीचे का ना एरिया को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और अभी अपने पास 2 बजे तक का टाइम है, तो सबसे पहले तो मैं इस RX 7 को यार मैं यार नाम भूल गया, नाओमी था या फिर क्या था उसका नाम यार, जो बंदी उसमें होती है फास्ट एंड फ्यूरियस 2 में होती है यार, वो बहुत ही क्यूट सी होती है, मैं भूल गया उसका नाम एक्चुअल में, बट हम लोग उसकी गाड़ी बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा इसको आगे वे करते हैं, वो थोड़ा सा वैसे तो वो रेस के लिए यूज़ करती है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट फिट बनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हम लोगों को ऑरेंज वाली से रेस करनी है, और जो इसको अभी कलर देने वाला हूँ मैं, जो कि आई थिंक कुछ लोग सुकी नाम होता है उसका, सुकी नाम होता है उसका, तो जो सुकी ने कलर रखा था हम लोग वही रखने वाले हैं, तो अभी से कमेंट में गैस करो कि वो कलर क्या था भाई, ठीक है ना, अब भी करो तब जाके पता चलेगा। सो लेट्स गो, आगे के टायर देखो कैसे लग रहे हैं भाई, फटाफट करो यार भैया, आप तो यार ऐसे तो आप दिन में एक ही गाड़ी कर पाओगे जिस हिसाब से आप हरकतें कर रहे हो। ये पॉलिश हम लोग फुल देंगे, मेटेलिक थोड़ी सी ज़्यादा देंगे, इसको कलर देंगे हम लोग पिंक, यस सर, आप समझे ना लोग, थोड़ा सा ये रहा ठीक है, ये वाला पिंक हम लोगों को चाहिए, क्योंकि सुकी की गाड़ी भी पूरी की पूरी पिंक होती है, ठीक है, तो हम लोग इसको वही कलर देंगे, देखो प्रॉपर पिंक कलर है गाड़ी का,
और ऊपर से ड्रिफ्ट फिट है, देख रहे हो ये ऐसे डालेंगे अंदर इसको हम। अगर ये लिटरली मैं चाहूँ तो इन दोनों को पता है एक्चुअल में मैं हटा सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर डोर्स की ज़रूरत ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक यहाँ पे लिटरली डोर्स की ज़रूरत नहीं है। और अब हम एक और काम करते हैं, मैंने एक चीज़ ध्यान दी है ठीक है, वैसे ओए 2 बज गए, नो 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 नो, प्लीज़ बोल दे बाहर एक गाड़ी है, यस 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 यस, अपनी ऑडी आर8 निकालते प्लीज़ यार प्लीज़, पहली गाड़ी में लैम्बोर्गिनी ना आ जाए प्लीज़, पहली गाड़ी में लैम्बोर्गिनी, अरे यार ये ऑडी आर8 इतनी स्लो क्यों है इस गेम के अंदर, एक तो बिल्कुल भी नॉस नहीं है। अच्छा ओके ओके ऑडी टी टी है, चलो चलो फटाफट से जल्दी दो लाओ लाओ लाओ, बस पहली तो ऑडी टी टी है तो सिंपल है, अच्छी कोई गाड़ी आएगी ठीक है, आई होप एक लैम्बोर्गिनी आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा भाई, बट सुपरा आ गई यार, आई थिंक अब नहीं आएगी क्योंकि सुपरा एक बढ़िया गाड़ी है भाई मेरे हिसाब से तो यार, लिटरली भाई सुपरा आई गेस सेकेंड या थर्ड नंबर पर आती 0-200 एक्सेलरेशन में इस गेम में, अगर तुम उसको प्रॉपर नॉस फिट कर दो सब कुछ एकदम क्रेजी सा कर दो ना तो सुपरा आई गेस सेकेंड या फिर थर्ड नंबर पर आती, फर्स्ट पे तो तुम्हें भी पता मुझे भी पता कौन सी गाड़ी है भाई, द वन एंड ओनली द लेजेंड निसान GTR। भाई लाइट खोल के आ रही है गाड़ी, मेरे को लगा वाह यार कुछ तगड़ा आ गया, ये क्या है, ये ऑडी लग रही है वैसे तो देख के, रुको कौन सी गाड़ी है, हाँ S5 है, ओके ओके ओके, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पहली बार भाई मैं ज़िंदगी में ये मांग रहा हूँ। बाय द वे हम लोग को अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही कार चाहिए अब, जो कि है ये तो नहीं है भाई, बक्की रीगर तो नहीं है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी, द फाइनल ला फरारी, भाई एक बार ला फरारी मिल जाए ना यार अपना कलेक्शन दोबारा से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा, जो मज़ा आएगा उसके बाद देखो। मैंने जो सोचा हुआ है वो ये है, पहले तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, जाके सो के आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई होप यार, एक तो मेरे को इनको हटाने का मन नहीं कर रहा है ना बार बार, मैं अपनी एक काम करता हूँ, मैं अपनी डॉज वाइपर को ही निकालता हूँ फिर बाहर यार, चलो फटाफट से अपने डॉज वाइपर लेके चलते हैं, क्योंकि क्या पता भाई ड्रैग रेस में एक और बार आई हो लैम्बोर्गिनी कुंटाज, यू नेवर नो, वैसे कायदे से फिर मेरे को लैम्बोर्गिनी लेके चलनी चाहिए हर जगह पे, नहीं क्योंकि अगर ड्रैग रेस में आई भी होगी तो नहीं है, मेरे को लगा पीछे कोई गाड़ी दिखी मेरे को, बट ठीक है गलती हो गई, चलो फटाफट से जाते हैं जाके सोते हैं, हम लोग यहीं से वापस आएंगे ताकि हम लोगों को दिख सके कि रेस में क्या क्या है, आई होप ड्रैग रेस में दोबारा से आ जाए लैम्बोर्गिनी भाई, मज़ा ही आ जाएगा कसम से। ओके ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू यार मज़ा ही आ गया भाई, टू मच रियलिस्टिक नहीं हो गया थोड़ा सा ही, टू मच भाई मेरे से ज़्यादा तेज़ तो पीछे अपनी भाई जो भी उसकी वो है गाड़ी है सेडान वो भगा दे रहा है, क्या फ़ायदा भाई डॉज वाइपर लेके, चलो फटाक से जाते हैं जाके सोते हैं, एंड लेट्स होप कल के दिन मार्केट खुल जाए प्लीज़ यार, प्लीज़ खुल जाए मार्केट, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर मार्केट खुली सो वी आर गोल्डन, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट खुली बस अब चांसेस हैं कि हम लोगों को एक ना एक गाड़ी मिले, फटाक से अपनी डॉज वाइपर लेके चलते हैं और होप करते हैं कि भाई ड्रैग रेस में भी एक आई हो, अब तुम सोचो किस्मत, ठीक है ये किस्मत बात है, बट अब तुम सोचो किस्मत ऐसी हुई कि हम लोगों को यहाँ पर भी मिल जाए, ड्रैग रेस में मिल जाए और एक उधर मिल जाए, भाई अब भी हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा, हम जीत जाएंगे भाई, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड को मेरी सांस रुकी, पता मेरे को लगा क्या पता मिल गई सही में भाई, ए ये देखो ये मेरे ड्रिफ्ट के निशान है सारे, चलो 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 चलो, इसमें तेल तो फुल है पिघले, बस आई होप प्लीज़ यार अब ये ऐसा ना हो कि कार मार्केट भी हमें वो कर दे भाई, अरे क्या हो रहा है ये नॉर्मल रोड में ब्रेक, नहीं यार तो पोर्शा है, अबे यार मस्टैंग है, दो पोर्शा अगल बगल है, एक ऑडी R8 भी है भाई, ये क्या किस्मत चल रही है, ऑडी पे ऑडी मिल रही है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि हम लोग लास्ट टाइम जब ये वाला चैलेंज कर रहे थे तो एक ऑडी कितनी मुश्किल से मिल रही थी हमें भाई, अभी सीधा ऐसे मिल रही है जैसे हलवा होगा भाई, ले जाओ ऑडी R8 चाहिए, ले जाओ अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब ये क्या बात हुई भाई, यार ये तो किस्मत ही गंदी है अपनी यार, और हम लोग देखो 40 मिलियन के अंदर भी आ गए तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज का, ठीक है ये क्या,
भाई ये क्या हो रहा है इस गेम में? कुछ जादुई चीजें आ गई हैं क्या? बस इसको यहाँ पे रखते हैं और मैं सोच रहा हूँ यार कि ऐसा कर ही देते हैं भाई, एक्चुअल में ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, ऑफिस एडिट मोड पे जाते हैं, डिलीट पे जाते हैं और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोग ऑफिस में लाइक आराम से आ सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी डाल सकते हैं, कोई सीन नहीं, निकालने का भी कोई सीन नहीं है, है ना? बस इतना ही होगा कि ऑफिस क्लोज नहीं हो सकता अब कभी। मैं तुम समझ गए ना यार, फनी था यार। चलो छोड़ो, ये करते हैं, इसको आगे को बढ़ाते हैं सबसे पहले, ठीक है? बस इनके लिए जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी। अब देखो, मैंने जो सोचा हुआ है, जब तक अगला दिन नहीं होता अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ जितनी भी गाड़ियाँ नीचे लगी हुई ना, इन सबको ऊपर लगाते हैं पहले तो शोरूम से, ताकि ऊपर दिखने का अच्छी लगे गाड़ियाँ सारी की सारी, ठीक है? ऊपर से शीशे की साइड को रखेंगे, मस्त करके दिखेंगी, ऊपर गाड़ियाँ बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग ये सारी गाड़ियों को ऐसे आराम से ला के नीचे खड़ी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। सो लेट्स गो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो फटाक से, मैं सारी की सारी गाड़ियों को लगा दूँ। यार मेरा मन तो वैसे डॉज वाइपर ही चलाने का कर रहा है अभी। भाई क्या लगती है यार ये गाड़ी, मजाक से हटके, लाइक नए वाले मॉडल्स जो हैं मेरे को याद भी नहीं है एक्चुअली, ये अगर डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो, आई होप ना हुई हो, बट मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई है या नहीं। दोनों की दोनों को ऊपर ले जाते हैं, मैं तुम लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, सारी गाड़ियों को ऊपर लगाता हूँ, एंड लेट्स होप कि अगले दिन भी भाई कार मार्केट, भाई किस्मत यार, वरना कार मार्केट में गारंटीड है भाई कि तुम्हें मिले ही मिले। अब ये भाई कुछ ज़्यादा ही फूटी किस्मत है मेरी, मैं क्या करूँ यार। भाई स्टार्टिंग में इतनी तगड़ी किस्मत चली, लिटरली तीन गाड़ियाँ धाड़ 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 मिल गई, लो ख़त्म, और उसके बाद से एक गाड़ी नहीं मिल रही यार, एक गाड़ी लेजिट भाई, वन कार ओनली प्लीज, थैंक यू। चलो अभी सारी की सारी गाड़ियाँ लेके आता हूँ मैं फटाफट। तो गाइज एक और डिसीजन लेने वाला हूँ मैं आज, जो कि आई डोंट नो कैसा रहेगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना ये अंदर से हटा दूँ यार मैं, अब ये ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, और सही बताऊँ तो ये आधे टाइम तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये स्पेस पूरी पूरी ले रहे हैं, जहाँ पे मैं दो गाड़ियाँ डाल सकता हूँ वहाँ पे मैं एक ही गाड़ी डाल पा रहा हूँ, बट ये घूम भी नहीं रहे हैं, तो मैं इनको हटा ही रहा हूँ, ठीक है? हम लोग आराम से हर जगह पर लिटरली जहाँ पर दो दो गाड़ी आ रही है, एक एक गाड़ी आ रही है, वहाँ पर हम तीन तीन गाड़ियाँ लगा सकते हैं, बट हम लोग लगा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे वो लगी हुई है, क्या कहते हैं उसे, डिस्क लगी हुई घूमने वाली। तो अब देखो तुम बस, अब जो आएंगे ना मस्त एकदम चमक के गाड़ियाँ आगे लग के, भाई मज़ा ही आने वाला है देखो। तो गाइस फाइनली मैंने सारी की सारी चीज़ें सेट कर दी, अब देखो कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है भाई, चारों गाड़ियाँ अपनी इधर लग गई, चारों गाड़ियाँ अपनी इधर लग गई हैं, पाँचों गाड़ियाँ अपनी इधर लग गई, भाई इतनी स्पेस हो गई ना, मतलब जगह ही जगह। अभी नीचे का भी मेरे को हिसाब से ही करना है, ये सब मैं हटाता हूँ नीचे से, बट ये क्या ही, तुम देख रहे हो स्पेस देख रहे हो पूरे के पूरे शोरूम में, भाई नेक्स्ट लेवल स्पेस हो गई है एकदम। और ये दोनों गाड़ियाँ अलग, मेरे को एकदम से एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हो गई हैं। जल्दी से आके सोते हैं, लेट्स होप एक और बार कार मार्केट में मेरे को ऑक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए यार, बिल्कुल ऑक्शन नहीं चाहिए मेरे को कार मार्केट चाहिए भाई, प्लीज़ यार मेरे को कार मार्केट चाहिए, कार मार्केट खुल जाओ क्योंकि किस्मत अब है कुछ भाई चाहिए यार मेरे को। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, बस भाई यार हट हट। चलो अभी हम लोग नीचे के भी फ्लोर को सही कर लेते हैं फिर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ये सारा मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है? तो नीचे चले जाते हैं, देयर वी गो, इन सब को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है? देयर वी गो, क्योंकि यार ये घूमना बंद हो जा रहे हैं, तो अगर ये लुक के लिए है ही नहीं, मुझे हर बार गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अभी फ़ायदा ही क्या हुआ, नहीं फिर फ़ायदा ही क्या है, फिर तो यूज़ ही नहीं है कुछ, मज़ा ही नहीं आया। तो गाइस फाइनली कार मार्केट खुली हुई है, अभी चलते हैं फटाफट से, और भाई लिटरली इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है ना ऑफिस में, इतनी गाड़ियाँ हो गई, अगर मैं ऑफिस की तरफ को फेस कर दूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर को फेस है, कोई लैग नहीं है, राइट? ये देखो भाई इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो चुकी है ना, लैग होना स्टार्ट हो चुका है, बट यार प्लीज़ मिल जाए यार, एक लैम्बोर्गिनी नहीं मिल रही है, एक, तुम समझ रहे हो मेरी बात, दो तीन छोड़ो, दो चाहिए हमें, बट एक भी नहीं मिल रही है भाई। हमारी किस्मत थी स्टार्टिंग में हम लोगों को एकदम झटके से मिल गई लैम्बोर्गिनी पे लैम्बोर्गिनी, बट उसके बाद से देखो तुम लोग क्या गजब चल रहा है भाई, यहाँ चार ऑडी R8 खड़ी हुई है, चार ऑडी R8, एक लैम्बोर्गिनी नहीं मिल रही है, बट एक लैम्बोर्गिनी, चार ऑडी R8 मिली हुई है, चार ऑडी R8, एक लैम्बोर्गिनी नहीं मिल रही है। अब देखो मैंने नीचे का एरिया पूरा पूरा साफ कर दिया, सारी गाड़ियाँ ऊपर जा चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर ना बेसिकली अपना सेल के हिसाब से सोच सकते हैं, देख रहे हो तुम लोग, अब हम लोग अपना मस्त देखो यहाँ से एंटर करोगे, लैम्बोर्गिनी तुम्हारा स्वागत करेंगी, वेलकम सर, वेलकम लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी सर, लैम्बोर्गिनी लेंगे आप, ऐसे करके, और उसके बाद वहाँ पर आगे जाके ऑडी R8 पे R8, ऑडी R8 पे R8, लोग पागल, अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है, अरे भाई साहब
अरे भाई साहब, मुझे तो लग रहा है ये ऑडी और लैम्बोर्गिनी की कोई नई वो है, मार्केटिंग वो है, स्ट्रेटजी वाली कुछ है। यहाँ पर से तुम इधर को देखोगे तो ये देखो तुम्हें GTR ही GTR, 5 GTR इन अ लाइन, धड़ 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 GTR हर जगह पे, जहाँ देखो वहाँ GTR। आए हाय, दुनिया कितनी सुंदर हो जाए भाई अगर ऐसा हो जाए तो, वाह सोच के मज़ा आ रहा है सही बताऊँ तो यार। चलो फटाफट से सारी की सारी गाड़ियों को अंदर लगाते हैं और कार मार्केट प्लेस में तो हमारी किस्मत ख़राब ही निकली, बट लेट्स सी, लेट्स होप हमारी किस्मत अच्छी चले रेसिंग वाले एरिया में। ठीक है, ड्रैग रेस करने जाएंगे वहाँ पर, देखते हैं, आई होप वहाँ पे कुछ मज़ेदार हो जाए। बट अभी के लिए तो ये लास्ट ऑडी R8 को भी अंदर लगाते हैं और इनको सबको मैं सोच रहा हूँ, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, इन सबको मैं सोच रहा हूँ सेल पे लगा देते हैं। ठीक है, सारी की सारी बेच देते हैं जितनी भी हैं, मज़ा ही आ जाए भाई, लेजिट बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रेजी। अगर हम लोगों ने नहीं भी तो अराउंड अगर $50 million कमा लिए ना भाई, क्रेजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। चलो फटाफट से जाके ना एक बार चेक करके आते हैं, क्या पता हमारी किस्मत में लिखा हो भाई कि दोस्त तुझे ऐसे नहीं, तुझे मिलेगा कैसे पता है, वो जो ड्रैग रेस होती है ना वो। भाई मैं तो मजाक कर रहा था भाई, बैटिस कार भाई क्या किस्मत है, मेरे को लग रहा है आज हमें पांचों लैम्बोर्गिनी ऐसी मिलने वाली है क्या, बैटिस कार करके आप सोचो ये खत्म हो और इसके बाद दोबारा लैम्बोर्गिनी, मैं तो खुश हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया, लेट्स गो बॉयज। जी यार, चलो भाई ये रेस जीत जाएंगे ना अपना, बहुत मज़ा आ जाएगा मजाक सेट के। चलो आजा बेटे, आजा तुझे बताता हूँ, आजा भाई, इसका टायर बहुत क्रेजी है। आवाज ही गायब हो गई सर जी की, सर जी तो दिखी नहीं रहे, सर जी की तो आवाज ही गायब हो गई है भाई, लिटरली ऑलमोस्ट डबल स्पीड, मतलब डबल उसमें करा हमने फास्ट में, देख रहे हो हम लोग 99 सेकंड करते, 8.8 सेकंड में आए हम लोग इस बार। डैम ब्रो, क्वार्टर माइल फिनिश, गाड़ी अपने हाथ में, सिर्फ एक और लैम्बोर्गिनी कुंटाज और हम लोग ये चैलेंज जीत जाएंगे। ये जितना टफ चैलेंज हुआ है ना भाई, मैं ही जानता हूँ, स्टार्टिंग एकदम ऐसी भाई मैं कहीं कार फॉर सेल में सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना भाई, अभी पता चला मैं सो के उठ रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये क्या हुआ भाई, ये क्या है, है? भाई पहले 3 इनारो हम लोग वहां जीते और उसके बाद 2 इनारो यहाँ, माय गॉड ब्रो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ है दोस्त, ये क्या हुआ है, ये कि लिटरली क्या हुआ, मेरे को कोई समझा दो यार, कोई तो होगा जिसको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है भाई। भाई इसकी भी पद्दी निकालूंगा मैं, तुम देखो बस, आ जा बेटे। 2-1 ला 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 ला, कभी कुंटाज कभी लैम्बोर्गिनी, ला 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 ला। पिछली बार 8.8 सेकंड में किया था, इस बार 8.7 सेकंड में किया हमने, उसने ही फास्ट किया है बट स्टिल ब्रो, नॉट एज फास्ट एज अस। जी जी भाई, खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक भाई, क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। अब सोचो अगर हम लोग फिर से गए और एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, ओके मैं रो देता अभी, बाय गॉड कह रहा हूँ, मैं चीख देता अभी, पता है अगर ये होता रियल तो, बट दिस इज नॉट रियल भाई। भाई इसके बीच से गाड़ी नहीं निकलती कभी, मत डाल बहुत बार डाल चुका हूँ भाई, लेट्स गो। 2 लैम्बोर्गिनी मेरी वहाँ खड़ी है, 3 लैम्बोर्गिनी मेरी वहाँ खड़ी है, ये भाई कूड़ा कहाँ गया, वो कूड़ा दबा दिया मैंने, वो कूड़ा दबा के खत्म कर दिया मैंने भाई। Oh my god.
रुको जरा, ये गाड़ियाँ ऑल ब्लैक नहीं, इसमें तो ड्रिफ्ट किट है भाई, इसमें भी ड्रिफ्ट किट है, आई कैन टेल यू, इसमें ड्रिफ्ट किट है भाई। यू क्लीन द ऑफिस? भाई मेरे को पता भी नहीं मेरा ऑफिस कैसा दिखता है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। एक बार चेक करता हूँ इसका वो क्या है। हाँ देख रहो, बस ये हट जाओ पीछे, हट जाओ भाई, आ जाओ, आने दो आने दो आने दो, ब्रेक्स ये देखो भाई, तुम्हारा वेलकम करती है हमारे शुरू। ये टेढ़ी क्यों हो रही है? तुम्हारा वेलकम करती है शोरूम के अंदर मेरी चार लैम्बोर्गिनीज इन अ लाइन। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और डाल सकता हूँ बट फिर वो ऑड हो जाएगा, नहीं पांच लैम्बोर्गिनी ऐसे करके, नहीं मतलब थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा दिखने का कि हाँ ये तो ऊपर से ग्रे कलर की भी है भाई। इसको भेज दूंगा मैं, चार लैम्बोर्गिनी एंटर करते हुए बहुत सही है, इस वाली को निकाल दूंगा भाई, लेकिन ये सबसे फास्ट लैम्बोर्गिनी इन सब में से, तो ये बिकेगी भी अच्छी भाई, लेट्स गो, इसको हम लोग बेच देंगे ठीक है। इजाद तो नहीं ना आगे भाई, बहुत ज़ोर से हैंड ब्रेक खींचा है, अगर तब भी नहीं रुक रही है ना गाड़ी फिर भूल जाओ कि इस गेम के अंदर कोई गाड़ी रोक सकती है भाई। ये देखो इस मोड में भी डाल सकते हैं हम वैसे अपनी गाड़ी को, लेकिन अंदर जाके कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी गुंटा जा गई, ये तो अपनी बेचने वाली है। और फाइनली गाइस इसी के साथ हम लोगों ने कर दिया है अपना गोल कंप्लीट, जिसमें हम लोगों को चाहिए थी पांच लैम्बोर्गिनी गुंटा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट एक चीज़ का सैड पार्ट हो गया कि अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 38,597,000 ही बचे हैं, जो कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि हम लोग हमेशा 40 मिलियन डॉलर एटलीस्ट अपने पास रखते हैं। तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हम लोग ये सारी ऑडी R8 भेजे जो हमारे पास सात पड़ी हुई हैं, फिर ये वाली लैम्बोर्गिनी, ये तो मैं सोच रहा ऐसी रहने देते हैं भाई, ये बहुत कूल लगेगा पता है तुम्हारी। सोचो ना यार, तुम शोरूम के अंदर घुस रहे हो और तुम्हें चार लैम्बोर्गिनी ग्रीट कर रही है, तुम समझ रहे हो, और उसके ऊपर से काले घोड़े भाई, लिटरली भाई कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पे यार अगर लाफरारी होती ना तो मैं बाय गॉड चार लाफरारी रख देता इसकी जो कि इम्पॉसिबल है, बट स्टिल मैं इसकी जगह पे चार लाफरारी रख देता भाई, क्योंकि फिर सोचो तुम लोग काली लाफरारी और हॉर्स, तुम्हें पता ही है पोर्शे और लाफरारी के साइन में होता ही है, फरारी के साइन में, तो कितना ज़्यादा कूल लगता भाई, नेक्स्ट लेवल। बट ये देख रहे हो फाइनली हमारा शोरूम जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि ना देख लो गाड़ियाँ साथ में दिख रही है, देखो ऊपर देखो वहाँ पे पांच गाड़ी ऐसे, यहाँ पे ऐसे छह गाड़ी, फिर यहाँ पर नीचे पांच अपनी GTR, यहाँ पे चार एंट्री पे, फिर पीछे तो सात ऑडी R8, एक और लैम्बोर्गिनी गुंटाज, एक और RX7 है, फिर एक और लैम्बोर्गिनी गुंटाज, भाई बहुत ज़्यादा गजब लग रहा है अपना शोरूम, हद से ज़्यादा भाई हमारे शोरूम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एट दिस मोमेंट हमारा शोरूम कहीं भी नहीं तो ना ना करते हुए भी भाई 10 मिलियन डॉलर से ऊपर का शोरूम है, बहुत ही लाइक नॉर्मली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि हमारा शोरूम आराम से 10 मिलियन डॉलर प्लस का है। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो में, एंड प्लीज़ जिसने भी अभी तक का स्टंबल गाइस डाउनलोड नहीं करा है भाई क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके बस एक बार क्लिक कर दो भाई, उस पर मज़ा करवा दो बिल्कुल एकदम, स्टंबल गाइस वाले खुश हो जाए बिल्कुल ठीक है। और यस साइबर जिमी स्किन अवेल करना मत भूलना, तुम लोगों को दिखा दिया है मैंने कैसे, तो जिसने भी अभी तक का सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड स्टंबल गाइस।